वॉज वेरी वेरी ईजी एंड नथिंग वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट. बायो भी बहुत कैलकुलेटेड आई थी. फिजिक्स आई गेस वॉज ईजी, जैसा कोविड टाइम्स और उसके बाद फिजिक्स ईजी आई थी, तो मुझे फिजिक्स ईजी लगी. और केमिस्ट्री मैं थोड़ा लैक करती हूँ, तो थोड़ा सा कम. हाई, गुड इवनिंग. आज नीट का एग्ज़ाम है May 7th, और आप जानते हैं कि अभी लगभग 5:10 हो चुके हैं. कुछ ही देर में बच्चे बाहर निकलने वाले हैं. यहाँ पे काफ़ी सारे पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं अपने बच्चों का, और सब लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हों. सभी इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं बच्चों का फीडबैक कैसा आता है. जल्दी हम आपको अपडेट करेंगे क्या था पेपर का लेवल. थैंक यू. 12 से आए हुए एक बच्चे के पेरेंट, जानते हैं उनका नाम? जी, मैं गुरुचरण सिंह. गुरुचरण सिंह जी, अपने पूरे परिवार के साथ. सर, आपकी बेटी पढ़ रही है? बेटा जी, बेटी है. अच्छा, तो बेटी कौन से है? कोचिंग में पढ़ रही थी यहाँ पे कोटा में, एलन में? जी नहीं, आकाश में. आकाश में यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पेरेंट्स बहुत अलग. मैंने पूछा कुछ बिहार से, यूपी से, 12 तो कोटा के बिल्कुल नज़दीक है. कैसा रहा सर पिछले पूरे साल का एक्सपीरियंस? अभी वो फर्स्ट टाइम दे रही है, सेकेंड टाइम दे रही है? बिल्कुल एक्सपीरियंस अच्छा ही मतलब रहेगा. नहीं, एग्जाम तो अच्छा रहेगा, उसकी तो चिंता नहीं करनी. साल पूरा अच्छा निकला, बहुत अच्छे से उसने तैयारी की है और फर्स्ट टाइम दे रही है वो. ये बहुत अच्छी बात है. तो आपका कोटा के मामले में, कोटा की कोचिंग और कोटा की ये जो एक्सपीरियंस है, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? क्योंकि आप तो कोटा के बिल्कुल नज़दीक के हो. बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि एक हब है, मतलब कोचिंग स्टडी का हब है, तो हम पास के ही हैं, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट है. क्या क्या आपने मतलब कहाँ कहाँ पे आपके लिए टफ टाइम्स आए? सर, पहली बात तो फैमिली को छोड़कर रहना, बच्चे के साथ अपना घर. आप यहाँ कोटा में ही रहती? हाँ जी, मैं उसी के साथ रहती थी. बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर, और उसका भाई है छोटा सा, दादा दादी से लग रहे कि उसने बहुत फेस किया है, बट हम उसकी नीट की प्रिपरेशन के लिए आए सब घर परिवार छोड़कर. वो सबसे छोटा वो इंतजार कर रहा है. बेटा आपका दीदी का नाम क्या है? अनुप्रिया. अच्छा, तो आप भी इंतजार कर रहे हो दीदी का? तो इस तरीके के उत्सुकता आप सबके फेसेस पर देख पा रहे हैं. सभी पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स खड़े हों उन सबके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, और जो बच्चे बाहर निकले उनके भी चेहरे पर मुस्कुराहट हो. बस इसी अपेक्षा के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी गेट खुलने वाला है. व्हाट वाज द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर? आई गेस मतलब बहुत ही कैलकुलेटेड पेपर आया था. अच्छा. हाँ, मतलब सब कुछ कैलकुलेट था. नथिंग वॉज वेरी वेरी ईजी एंड नथिंग वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट. बायो भी बहुत कैलकुलेटेड आई थी. फिजिक्स आई गेस वॉज ईजी, जैसा कोविड टाइम्स और उसके बाद फिजिक्स ईजी आई थी, तो मुझे फिजिक्स ईजी लगी. और केमिस्ट्री मैं थोड़ा लैक करती हूँ, तो थोड़ा सा कम. बाकी आपको पेपर, आपका खुद का ओवरऑल पेपर कैसा गया? ओवरऑल आई एम हैप्पी. ओके, दैट्स रियली गुड. आई एम सीइंग स्माइल ऑन वेरी फ्यू फेसेस. एग्जाम नीट का अच्छा था. क्या कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट रहा, कौन सा इजी रहा? केमिस्ट्री मेरी वीक है, तो केमिस्ट्री थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्ट लगा. आपको डिफिकल्ट लगा? ओवरऑल कौन सा पेपर में क्या मतलब कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट लगा आपको? आपके लिए केमिस्ट्री डिफिकल्ट था इसलिए, बाकी पेपर अच्छा गया आपका? पेपर अच्छा था. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. कैसा रहा पेपर आपका नीट का? नीट का पेपर अच्छा रहा? कौन सा पेपर डिफिकल्ट लगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में? फिजिक्स. फिजिक्स डिफिकल्ट लगा? ओके. पेपर काफी अच्छा था. अच्छा, कौन से सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट या इजी रहे? इजी, बायो बहुत इजी था, मतलब लेंथी था थोड़ा सा, बट इजी था. इजी था, जल्दी जल्दी हो रहा था. और फिजिक्स कैसा रहा आपका? फिजिक्स भी बहुत अच्छा था, मतलब कैलकुलेटिव था, बड़ा अच्छा था. अच्छा लगा, तो आपका पेपर अच्छा गया. चलिए, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. वाज इट गुड? यस. अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताओगे पेपर के स्टैंडर्ड के बारे में, फिजिक्स कैसा रहा, केमिस्ट्री कैसा रहा? अगर देखे ना तो ऑर्गेनिक ज्यादा मेनली मतलब नॉर्मल था, पूरा पेपर नॉर्मल था. बायो बहुत इजी थी, पिछली बार की तरह बिल्कुल ट्रिकी नहीं थी. अच्छा, बिल्कुल सिंपल. तो आपको क्या लग रहा है मतलब कौन सा सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहा आपके लिए? सबसे सब मॉडरेट रहे. मॉडरेट रहे, मतलब पेपर की डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट माने हम? हाँ, मॉडरेट ही. आपका कैसा गया पेपर? पेपर सारा मॉडरेट ही था, सारा. बायो का तो बहुत इजी ही था. आपको इजी लगा, मतलब आपका अच्छा जा रहा है एग्जाम, ऐसा लग रहा है? That's really good. Physics और chemistry का standard कैसा था? मतलब आप सभी के लिए moderate था, इतना tough नहीं था. Tough नहीं लगा पूरे में, ना? That's really good. हाँ. So good for you. आपको क्या लग रहा है कि इस बार कट ऑफ ज्यादा जाएगा इस हिसाब से, इजी रहेगा पेपर, या मतलब बच्चे कर लेंगे आराम से? हाँ, obviously बात है, इजी था पेपर. आप कैसा रहा पेपर आपका नीट का? नीट का पेपर अच्छा रहा? कौन सा पेपर डिफिकल्ट लगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में? फिजिक्स. फिजिक्स डिफिकल्ट लगा? ओके, दिखता है डिफिकल्ट लग रहा है पेपर कुछ.